क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम. ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी. शो दैट फोर पॉइंट ने दे, एंगल ए इक्वल एंगल बी, सेकेंड एंगल सी इक्वल एंगल डी, थर्ड ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए डी, फोर्थ डायगनल ए सी इक्वल डायगनल बी डी. आप डायगनल इक्वल प्रूव करने हैं. देखो जे ट्राइंगल ए बी सी बी ए डी कॉन्ग्रेंट हो गया दैन बाई सी पी सी टी डायगनल्स आर इक्वल. डायग्राम इज गिवन, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी दे पैरेलल गिवन है, ए डी इक्वल बी सी. देखो ए डी बी सी दे इक्वल है, ये पैरेलल ने, तो ए डी है जी सी ई दे भी इक्वल होगी तो पैरेलल होगी. हुण इन ट्राइंगल बी सी ई एंगल बी इक्वल एंगल ई, इतने आप वन तो टू लिख लेंगे, ठीक है. वन तो टू इक्वल हो जाएंगे, क्यों? बिकॉज इन ए ट्राइंगल एंगल्स आर इक्वल टू ऑपोजिट इक्वल साइड्स. जे सन्मुख भुजावां समान ने तो वो ऑपोजिट एंगल भी समान होंगे ने. नौ, इट इज़ ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, एंगल डी इक्वल एंगल ई मीनस एंगल थ्री इक्वल एंगल टू. एन आप एंगल थ्री मार्क कर लेंगे हूँ. अच्छा, इनू थ्री नहीं भी मार्क कर देना, इनू डी ही लिख सकते हैं कल्ले, पर इन्हों लिखना पड़ेगा. एंगल डी इक्वल एंगल टू ऑपोजिट एंगल. हूँ जे आप देखिए टू तो डी ने जो इक्वल हो गए, टू तो डी वन तो टू इक्वल ने, डी तो टू इक्वल ने, दैन एंगल वन इक्वल एंगल डी, वन तो डी भी की हो जाएंगे इक्वल. सो नो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, एंगल वन इक्वल एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी, इतने थ्री लिख सकते हैं 180 डिग्री. हम देखो ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, 180 हो जू कैंसल, दैन एंगल ए इक्वल एंगल थ्री, थ्री एंगल कड़ा है ए बी सी. सो नो गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी इक्वल बी सी. टू प्रूव, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी. देखो ए है जड़ा वो बी दे प्रूव करना इक्वल, मतलब ए कल पूरा बी नहीं, सिर्फ इन्ना बी थ्री जिन्होंने आप थ्री मार्क किया. सेकेंड एंगल सी इक्वल एंगल डी, एंगल सी इक्वल एंगल डी, सी तो डी इनू इक्वल प्रूव करना, इन आप फोर मार्क कर लेंगे. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ए बी सी, ए वाली ट्राइंगल होगी, अपन में डायगनल ड्रॉ करना पैना, ठीक है. तो मैं थोड़ा डॉटर लाइन किया, पहले आप प्रूव कर लेंगे फिर लिखांगे. नेक्स्ट ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, फोर्थ पॉइंट डायगनल ए सी इक्वल डायगनल बी डी, विकर्ण ए सी इक्वल विकर्ण बी डी, ठीक है जी.
तो पंजाबी मीडियम गिवन लिख लो, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिस विच ए बी समानांतर डी सी अते ए डी बराबर बी सी है। हुण आपां लिखांगे प्रूफ। प्रूफ लिखिए, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी इक्वल बी सी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी विच ए बी समानांतर डी सी अते ए डी बराबर बी सी है। ए बी समानांतर डी सी ए डी बराबर बी सी। हुण जे ए डी बी सी दे बराबर है दैन एंड ए डी सी ई इज ए पैलोगम। सो ए डी इक्वल सी ई एंड ऑल्सो बी सी इक्वल सी ई। ए डी बी सी दे इक्वल है, ए डी सी ई दे इक्वल है। सो बी सी ते बी सी अते सी ई भी की हो जाएगी है इक्वल। पंजाबी मीडियम सारा सेम ही है, ठीक है। इतने समानांतर चतुर्भुज लिख लेना बस, समांतर चतुर्भुज बीच इन ट्राइंगल बी ई सी बी सी इक्वल सी ई। त्रिकोण बी ई सी विच बी सी बराबर सी ई है, इसलिए एंगल वन इक्वल एंगल टू। रीजन लिख दिनी हूँ मैं, इतने ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू ऑपोजिट इक्वल साइड्स। इन वन मार्क कर लेना। सन्मुख समान भुजावां दे सन्मुख कोण समान होंदे हन। हुण ए ई सी डी इत्थे लिखा हुआ ए डी सी ई एक पैलोग्राम है। ए डी सी ई इज ए पैलोग्राम। सो एंगल डी इक्वल एंगल टू ऑपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम। समानांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण ये तो पता है तुहानू, समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण समान होंदे ने। हुण फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू
एक अते दो तो एंगल वन इक्वल एंगल टू, एंगल डी इक्वल एंगल टू, सो एंगल वन इक्वल एंगल डी, वन ते डी हो गए इक्वल, इन आप मार कर लेना थ्री। नौ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री, इनू ए मार कर लेने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस समानांतर भुजावां दे अंदरले कोणा दा जोड़। ठीक है, नौ एंगल वन प्लस थ्री, एंगल वन प्लस एंगल थ्री 180 डिग्री, इनू आपां ए मार्क कीता, इनू बी, लीनियर पेयर पंजाबी मीडियम रेखी जोड़ा। हुण आपां ए ते बी तो देखना, फ्रॉम ए एंड बी, देखो ए भी 180 दे इक्वल, ए भी 180 दे इक्वल, एंगल वन प्लस एंगल थ्री, एंगल ए प्लस एंगल डी, तो हुण ही आपां इत्थे वन ते डी नू इक्वल प्रूव किया, फ्रॉम थ्री एंगल वन इक्वल एंगल टू, सॉरी एंगल डी लिखे ना, एंगल वन प्लस एंगल थ्री, एंगल ए प्लस एंगल डी, देखो इक्वल तो बाद 180 डिग्री है तो 180 छड़ देना है, सिर्फ ये एंगल लिख लेने क्योंकि दोनों 180 दे इक्वल ने, तो हुण इहदे विच वन ते डी इक्वल ने, वन ते डी हो गया कैंसल, रह गया एंगल थ्री इक्वल एंगल ए। हुण एंगल थ्री किहड़ा, देखो थ्री हो गया बी, ए हो गया ई, यही प्रूव करना सी, एंगल बी इक्वल एंगल ए, हैंस प्रूव। देखो लेंथ ही जुड़ने, तुसी थोड़ा जिहा वी इहनू ध्यान नाल समझ के कीता तो तुहानू ईजीली समझ लग जाणगे। ठीक है, तो जे तुसी स्वैना तो करोगे तो कुछ समझ नहीं लगना। हुण आपां करना एंगल सी इक्वल एंगल डी, सी ते डी नू मीनस आ फोर ते इनू इक्वल प्रूव करना, एंगल वन इक्वल एंगल डी प्रूवड अबव एंड एंगल वन इक्वल एंगल फोर अल्टरनेटिव एंगल अल्टरनेटिव एंगल इकंतर कोण, सो देखो दोवें वन इक्वल ने, सो डी इक्वल फोर। हुण डी केड़ा एंगल आ, ए वाला, ते फोर केड़ा है सी, हैंस रूट। सैकेंड पॉइंट हो गया, इत्थों अपना शुरू हो गया सी सैकेंड पॉइंट। नौ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपां करनी ने ट्राइंगल कोंग्रुएंट, तो ट्राइंगल कोंग्रुएंट करने लई मैं तुहानूं कहा सी आपां डायगनल ड्रॉ करने हैं, तो हुण आपां डायगनल ड्रॉ कर लैने हैं। इन ट्राइंगल थर्ड पॉइंट ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी हुण केड़ियां केड़ियां ने, देखो ए बी सी, दूसरी बी ए डी, एक वाली ट्राइंगल है तो एक वाली। हुण इहदे च की की इक्वल आ, एक तो यह गिवन है साइड, ठीक है पहला ही लिखना ए डी इक्वल, देखो आ ध्यान रखना है ए डी साइड आ जिहड़ी ए डी, यह डी ए बी ट्राइंगल दी, तो इहनू आपां इधर लिख दो ए डी इक्वल बी सी, तो इधर आ जूगा बी सी,
ये हैगी है गिवन। सेकेंड ए बी इक्वल ए बी कॉमन साइड, ए बी इक्वल ए बी कॉमन साइड, कॉमन साइड पंजाबी मीडियम सांझी भुजा। तीसरा आपां हुणे प्रूव किया एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी प्रूवड, प्रूवड अबव ऊपर सिद्ध किया। हुण देखो टू साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया बाई एस ए एस कंडीशन। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। फोर्थ पॉइंट डायगनल करने हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए डी, सो ए सी इक्वल बी डी बाई सी पी सी डी। कि ने यही डायगनल ने तो ए सी इक्वल बी डी, तो यही प्रूव करना सी लास्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट, हैंस प्रूवड। तो ये 8.1 एक्सरसाइज भी डन, सो आप करांगे 8.2। तो जे तुहानू समझ लग गए तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के कमेंट भी। थैंक यू।